नमस्कार दोस्तों दोस्तों पहले ये एक्सरे की फ़ोटो देखिए। फीमर बोन घुटने के पास से कितनी बुरी तरह से फ्रैक्चर है, एक्सरे और सीटी स्कैन में हम देख सकते हैं। और ये ऑपरेशन के लगभग 2.5 महीने बाद का इनका पैर चला के वीडियो दिखाइए, देखिए। आगे करिए, पूरा पैर सीधा पूरी करिए, तरह से पूरा सीधा मोड़ने करिए, लगा पूरा है। सीधा करिए, मोड़िए, कितना मोड़ लेते हैं दिखाइए, ऊपर रख के दिखाइए। हाँ ठीक, दोस्तों इनके केस पे हम लोग पार्ट वन वीडियो इसी चैनल पर 23 फरवरी 2024 को ये वाली वीडियो देख चुके हैं। पार्ट वन वीडियो ऑपरेशन के 3-4 दिन बाद हॉस्पिटल से छुट्टी के टाइम ली गई थी। पार्ट वन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों इनके इलाज के बारे में अब डॉक्टर गौरव सर बता रहे हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। मनु जी का केस डिस्कस कर रहे हैं। मनु जी के डिस्टल फीमर में फ्रैक्चर था, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर था, घुटने की हड्डी कॉन्डाइल के ऊपर से भी टूट गई थी और इंटरकॉन्डाइलर भी टूट गई थी। जैसे जो फ्रैक्चर था वो कॉन्डाइल पे भी था, इंटरकॉन्डाइलर भी था, और साथ में जो ये कॉन्डाइल थे ये भी बीच में से आगे का पीस अलग और पीछे का पीस अलग था, दोनों तरफ फोफा फ्रैक्चर थे। तो जैसे ये आप एक्सरे देख रहे हैं, इसमें आपको ये फ्रैक्चर दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन इनका किया है, 2 महीने हो गए। मनोज जी पैर चला के यस दिखाइए, सर, आगे करिए, पूरा सीधा करिए, पूरा सीधा करिए, पूरा सीधा करिए, मोड़िए, कितना मोड़ लेते हैं दिखाइए, ऊपर रख के दिखाइए। हाँ ठीक, सीधा कर लीजिए। ये एक तो इनके इधर से प्लेट लगाइए, और भीतर से भी इनका ओपन किया था नी जॉइंट, उसमें भी रिडक्शन करके यहाँ भी एक प्लेट लगाइए। ये इनका ऑपरेशन के बाद आज आए हैं, 2.5 महीने बाद ये आज का एक्सरे है। ये 25 अप्रैल 2024 की एक्सरे है। इसमें हम देख सकते हैं कि हड्डी की सेटिंग बिल्कुल सही है और पेशेंट के पैर में पूरा मोमेंट आ चुका है। आज इनको हमने वॉकर से चलाया है, सपोर्ट से चलाया है। दोस्तों अब इनको डॉक्टर साहब सपोर्ट की मदद से पैर पे पूरा लोड दे के चलने को कह दिए हैं, और ये बिना सहारा भी चल पा रहे हैं पूरा लोड दे के। अच्छी बात है, लेकिन अभी इनको सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों घुटने के पास के फीमर के फ्रैक्चर काफ़ी क्रिटिकल, काफ़ी ख़राब फ्रैक्चर माने जाते हैं, और ऐसे फ्रैक्चर में भी अगर 2.5 महीने में पैर में पूरा मोमेंट आ गया है तो इसमें सही इलाज के साथ साथ सही समय पे सही एक्सरसाइज भी मायने रखती है। जैसा कि इस वीडियो में हमने देखा, डॉक्टर गौरव सर ने बताया कि किस प्रकार से इनका इलाज किए हैं, और पार्ट वन वीडियो में डॉक्टर गौरव सर ऑपरेशन के 3 दिन बाद इनको एक्सरसाइज बता रहे हैं, तो वो एक्सरसाइज पार्ट वन वीडियो में हम देख सकते हैं। इनके केस के पार्ट वन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अगर आप वहाँ से नहीं विजिट कर पा रहे हैं, वहाँ से नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर चैनल पे हमारी जो वीडियो पड़ी है, चैनल के वीडियो लिस्ट में जाके 23 फरवरी 2024 की वीडियो में जाके देख सकते हैं। चैनल की वीडियो लिस्ट देखने के लिए फ्रैक्चर सॉल्यूशन विद अखिलेश पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद हमारे चैनल का होम पेज खुल जाएगा, यहाँ से आप वीडियोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। जैसे ही वीडियोज वाला ऑप्शन आप खोलेंगे, हमारे चैनल पर पड़ी सारी वीडियो आपको लिस्ट वाइज डेट वाइज दिखने लगेगी। सबसे पहले नई वीडियो दिखेगी, उसके बाद धीरे धीरे पुरानी वीडियो दिखेगी। तो आप हमारे चैनल पर जाके किसी भी समय की पुरानी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं एक केस पे केवल एक वीडियो नहीं बनाता हूँ, रिकवरी अपडेट मैं समय समय पे देता रहता हूँ। जैसे अभी आप किसी केस पे वीडियो देख रहे हैं, अगर ये इलाज पहले से चल रहा है तो इनके केस पे पुरानी वीडियो आपको इस चैनल पे पहले की वीडियो में मिल जाएगी। जैसे इस केस का पार्ट वन वीडियो लगभग 2 महीना पहले की वीडियो में ये यहाँ पे अभी मौजूद है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो पार्ट वन वीडियो खुल जाएगा। ये पार्ट वन वीडियो है। दोस्तों अगर कोई हड्डियों की समस्या से परेशान हो, जैसे फ्रैक्चर हो गया हो, हड्डी नहीं जोड़ पा रही हो, इन्फेक्शन हो गया हो, घुटने में दिक्कत हो, हिप जॉइंट में दिक्कत हो, रिप्लेसमेंट कराना हो या लिगामेंट का ऑपरेशन कराना हो, कोई भी समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305-26400-09, 9305-26400-09। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कुछ और बातों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।